कुछ लोग कह सकते हैं जी वेदों में तो निरूपण नहीं है कि भगवान साकार होता है। अब चलिए थोड़ा वेदों के द्वारा हम लोग समझेंगे कि भगवान के अवतार का कहाँ कहाँ निरूपण हुआ है। पहले ये समझिए कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है, कुछ लोग कहते हैं भगवान सगुण सविशेष साकार ही होता है, और दोनों प्रकार के मंत्र हमारे यहां वेदों में हैं भी। एक और वेद में ये कहा गया अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिंत्य मव्यपदेश मेकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम मांडूक्योपनिषद सातवां मंत्र। यानी उस भगवान को कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, उस भगवान के इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है, वो निराकार है, सत्ता मात्र है। और दूसरी पार्टी कहते नहीं नहीं वो भगवान सगुण साकार है, उसके इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, वो हर प्रकार का कर्म भी करता है। तो ये ही लगाने से सारा झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। हम जो ये कहते हैं ना, एक पार्टी कहती है कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है, दूसरी पार्टी कहती है भगवान सगुण सविशेष साकार ही है, बस झगड़ा प्रारंभ हो गया। अगर हम ये कहें कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है, सगुण सविशेष साकार भी है, तो झगड़ा समाप्त हो जाए। लेकिन चूंकि दोनों प्रकार के मंत्र वेदों में हैं, तो जो पार्टी आती है वो अपने पक्ष का मंत्र कोट कर देती है। तो हम कहते हैं हाँ भाई, भगवान तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है। दूसरी पार्टी आई, उसने कहा नहीं नहीं देखो भगवान सगुण सविशेष साकार होते हैं, ये मंत्र हैं। हाँ भगवान तो सगुण सविशेष साकार ही होता है, तो कौन सी बात ठीक है? आप कहेंगे दोनों ठीक है। दोनों कैसे ठीक है? एक पार्टी कहती है कि वो ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है, दूसरी पार्टी कहती है वो भगवान सगुण सविशेष साकार ही है, तो दोनों सही कहां है? इसका समाधान किया वेद ने। वेद ने कहा द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच वामूर्तंच, मैत्रेयी उपनिषद पांचवें अध्याय का तीसरा मंत्र। यानी भगवान के दो रूप हैं, मूर्त अमूर्त। भगवान कहते हैं झगड़ा मत करो, मैं निराकार भी हूं और साकार भी हूं। तो वेदों में कहां कहां सगुण साकार का निरूपण किया गया समझिए। वेद में कहा गया अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः, यजुर्वेद पुरुष सूक्त। अजायमानो, भगवान का जन्म नहीं होता, वो निराकार है, लेकिन बहुधा विजायते, भगवान अनंत बार जन्म लेता है। जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन,
गीता के चौथे अध्याय का पांचवा श्लोक, अर्जुन मेरे अनंत जन्म बीत चुके, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि। वो जो वेद में कहा गया ना बहुधा विजायते, अनंत बार भगवान जन्म लेते हैं, उसी का अनुवाद गीता में किया गया। अजायमानो बहुधा विजायते तस्मिन् ह तस्थुर भुवनानि विश्वा। वेद कहता है कि भगवान जन्म लेते हैं, भगवान साकार बनकर आते हैं। अच्छा जी, भगवान जो साकार बनकर आते हैं तो किस रूप में आते हैं, इसका भी उत्तर दिया वेद ने। त्वम स्त्री, त्वम पुमान, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडे न वंचसि। अथर्ववेद, तुम कभी स्त्री बनकर आते हो, तुम राधा बनकर आए, सीता बनकर आए, तुम कभी पुरुष बनकर आते हो, कभी कुमार बनकर आते हो, कभी कुमारी बनकर आते हो, और कभी त्वम जीर्णो दंडे न वंचसि। कभी तुम बूढ़े बनकर आते हो डंडा लेकर और हम लोगों को ठगते हो। यानी ये कोई आवश्यक नहीं कि भगवान पुरुष रूप में ही आएंगे या स्त्री रूप में ही आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो भगवान किस रंग के बनकर आते हैं, तस्य है तस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो यथा पांडवाविकम यथेन्द्र गोपो यथाग्निर्चिर यथा पुंडरीकम यथा सकृद विद्युत। बृहदारण्यकोपनिषद, यानी भगवान कभी उज्ज्वल वर्ण बनकर आते हैं, कभी श्याम वर्ण के बनकर आते हैं, कभी गौर वर्ण के बनकर आते हैं, कभी अग्नि शिखा के समान रंग के बनकर आते हैं, कभी स्थिर बिजली के समान रंग के बनकर आते हैं, कभी लाल रंग के बनकर आते हैं। यानी ये कोई आवश्यक नहीं कि भगवान गोरे या काले बनकर ही आएंगे। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम यः पार्थिवानि विममे रजांसि। ऋग्वेद, देखिए यहां सगुण साकार भगवान को विष्णु नाम से व्यवहित किया गया। प्रतद् विष्णुः स्तवते वीरेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्यो ऋषु त्रिषु विक्रमेण श्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। ऋग्वेद, कुचरो गिरिष्ठाः, कु माने पृथ्वी पर कुचरः अवतार लेने वाले भगवान कभी मृग बनकर आते हैं, कभी नृसिंह बनकर आते हैं, कभी मानव बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं। इदं विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये देखे वामन अवतार का निरूपण, वराहेण पृथ्वी संविदाना सुकराय विजीहीते मृगाय। अथर्ववेद, ये शूकर अवतार का निरूपण किया गया। भगवान शूकर बनकर भी आते हैं, इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि भाई शूकर गंदी चीज है। अरे भगवान ने शूकर अवतार लिया है। जैसे भक्त की इच्छा होती है भगवान वैसे बन जाते हैं।
संसार में कोई पिता से कोई बेटा कहे, पिताजी मेरी इच्छा है कि आप मुंह पर कालिक पोत कर और गधे के ऊपर बैठकर पूरे मोहल्ले में घूम कर आइए, तो पिता उसको एक झापड़ लगाएगा। भगवान कहते हैं कि अरे मैं गधा बन जाऊंगा, तुम मेरे ऊपर बैठ लेना। भगवान ने सखाओं को सौरस्य दिया ना, घोड़ा बन जाते भगवान, सखा लोग उनकी पीठ पर सवार हो जाते। यस्ते वष्टि ववक्षितत, वेद कहता है जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं। तम यथा यथोपासते तथैव भवति, वेद जीव जिस रूप में भगवान की उपासना करना चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। Oh,